हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हाँ, देखो, बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपका रीजनिंग में हमने कौन सा चैप्टर प्रीवियस ईयर क्लास में कंप्लीट करवाया था? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, घन और घनाभ। अब घनन घनाभ आपका 100% बिल्कुल क्लियर हो गया चैप्टर। अब दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो उन्हीं टाइपों में से आएगा, उसी लेवल में आएगा। इससे अपर आपको 1% का लेवल नहीं है, आपको जीरो से हीरो तक पढ़ा दिया गया है उसमें। करेक्ट। तो उसमें आप 100% कमांड बना चुके हैं घन और घनाभ। उससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? देखिए, हमने सबसे पहले आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर पढ़ाया, जो कि आपके दोनों ही चैप्टर हमने 100% क्लियर करा चुके हैं। हाँ, आज आपकी स्टार्टिंग होगी, आज आपकी स्टार्टिंग होगी नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। पासा, हाँ, डाइस। और रीजनिंग में भाई, ये जो पासा चैप्टर है अपना, डाइस, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, हालांकि रीजनिंग का पूरा सिलेबस ही बहुत इंटरेस्टेड है, पर ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कुछ अलग नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। क्योंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो आपका पासा है ना, डाइस चैप्टर, इसमें हम आपको 95% पेन का यूज करने ही नहीं देंगे। हाँ, 95-95% विदाउट पेन एंड पेपर इस चैप्टर में आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। मतलब आपके सामने पिक्चर होगी, आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा रॉन्ग है। इतना प्रिपेयर करा देंगे इस वाले चैप्टर में। और हालांकि जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, 100% कंप्लीट कराए जा रहे हैं, एक भी टाइप आपका मिस नहीं किया जा रहा है। तो आप शुरू से लास्ट तक जुड़ते रहिए। इसके बाद आप देखते हैं ना स्टार्टिंग किस लेवल से होती है, क्योंकि बेसिक अगर आपका सही है भाई, हाँ, बेसिक अगर आपका 100% क्लियर है, तो इतनी कमांड आपकी बन जाएगी स्ट्रॉन्ग लेवल में कि आपसे क्वेश्चन इतनी इजीली और बहुत ही जल्दी बनने लगेंगे। हाँ, देखो, क्वेश्चन करने को तो सभी कर लेते हैं, आंसर सबका आता है, पर अब जब आप एग्जामिनर हॉल में होंगे, एग्जाम जब दे रहे होंगे आप, तो ये तो उसमें नहीं बनता है कि किस बच्चे ने कितनी जल्दी, हाँ, किस बच्चे ने कैसा दिया आंसर, हाँ, किस ऑथेंटिक वे से दिया, कैसा सोच के दिया। उसमें तो ये होता है ना भाई, कितनी जल्दी आप सही आंसर करके टिक करके आगे बढ़िए। करेक्ट। चलिए, तो वो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। करेक्ट। चलिए, तो स्टार्टिंग करें ना पास। चलिए, इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। करेक्ट। और जो आपको प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है ना चैप्टर, उसकी पीपीटी पीएनजी फॉर्म में, हाँ, जो पीपीटी है आपकी, वो आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा, टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा आपको? अपने इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे, तब आपको सारे जितने भी आप जुड़ना चाहें, इंस्टा, फेसबुक, हाँ, टेलीग्राम, सारे सभी का आपको लिंक वहाँ पे शो करेगा। तो आपको एक एक करके सभी का लिंक आप एक्सेप्ट करिए, इसके बाद हमारे साथ आप जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए, ये तो बात अपनी पर्सनल है। हाँ, चलो, इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे पासा। चलिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे पासा। चलिए, एक भी कंसेप्ट आपको छूटेगा नहीं। स्टार्टिंग करें ना डाइस। अच्छा, डाइस, पासा जो है, लूडो, अच्छा, सबने खेला होगा। हाँ, 100% सब ने खेला होगा, हमने भी खेला था, आपने, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने भी खेला होगा। अच्छा, ये बताइए, पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है? क्यूब और क्यूबॉइड। हाँ, जिसमें हम क्यूब कुछ ऐसे बनाते थे ना, इस प्रकार से, हाँ, और इसको कट करते थे, कटिंग ऑफ क्यूब। हाँ, पर देखिए, ये जो आपका डाइस है ना पासा, ये आपका घन क्यूब का ही एक छोटा सा पार्ट, हमने छोटा सा अंश उसका हमने चुरा लिया। क्यों चुराया? कि अब इतने बड़े क्यूब से हम कटिंग ऑफ क्यूब रिलेटेड था, वो पार्ट में कट कर रहे थे, पर हमने कहा नहीं, अब आप क्यूब जी, आप ऐसा करिए कि हमें आप छोटा सा एक पार्ट दे दीजिए, हम उस पर अपना एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे, जो आपको बताया जाएगा। तो ये जो डाइस चैप्टर है ना, क्यूब का एक छोटा सा, हाँ, अंश या पार्ट कह सकते हैं आप, पर अपने चैप्टर में, रीजनिंग में पासा और क्यूब दो अलग अलग चैप्टर हैं, तो इन दोनों को कंपाइल करके नहीं पढ़ेंगे। करेक्ट। तो डाइस अलग पढ़ेंगे
और क्यूब और क्यूबॉइड तो हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी, पहले से ही सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। हाँ विद कंसेप्ट, हाँ स्मार्ट अप्रोच और रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन के साथ, करेक्ट। तो चलिए डाइस स्टार्ट करते हैं। अच्छा लूडो जो आपने खेला है ना, उसमें सरफेस कितनी होती थी? फैमिलियर हो चुकी है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ घन में कितनी सरफेस होती थी? सिक्स सरफेस, बहुत ही बेहतरीन। ऐसा ही क्यू जब आप लूडो होता है ना, हाँ सपली मामा वाला नहीं, चलिए हाँ अपना जो लूडो होता है वो गेम नहीं, सपली मामा वाला गेम नहीं खेलेंगे हम यहाँ पे। हाँ चलिए हम यहाँ पे रियल लाइफ से रिलेटेड गेम खेलेंगे, कौन सा? दैनिक जीवन से पर आधारित, करेक्ट। सपली मामा वाला नहीं, वो कंसेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पे। तो चलिए डाइस, हाँ चलो सतह कितनी होंगी लूडो में अपनी? होती है छह, बहुत ही अच्छा। अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा ना, जो आपका लूडो होता है ना, उसका कुछ कंसेप्ट आपको बताएंगे, धैर्य रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। चलिए अच्छा जो डाइस है ना, हमको पढ़ना है अपने कॉम्पिटेटिव लेवल के अकॉर्डिंग, उसके थ्रू जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे हम, ज्यादा कुछ भंडार नहीं इकट्ठा करना है। जिस सीक्वेंस से अपना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहे, उसी ऑथेंट से हम आपको पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ना पड़ेगा विद कंसेप्ट के साथ, आपको अगर क्लियर करना है तो। चलिए जब मिल बैठेंगे दो भाई तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। चलो अच्छा अब जो आपका डाइस है पासा, इसमें लेटर पता है कैसे कैसे, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ नंबर दे सकता है, करेक्ट। कुछ अल्फाबेट भी दे सकता है, जैसे कि ए बी सी डी, हाँ एक्सेट्रा। इसके बाद कुछ सैम्बल भी दे सकता है, परसेंटेज, हैज, कॉपीराइट, हाँ एक्सेट्रा, कुछ इस प्रकार के। तो बिल्कुल वही आपको बताने जा रहे हैं, पेशेंस के साथ आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि पहली क्लास आपकी बेस क्लास होती है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए अच्छे से, तो भाई एग्जामिनर किसी भी ऑथेंट से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देने के बिल्कुल 100% प्रिपेयर हो चुके होंगे। चलिए तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा भाई, हाँ हमने ये कहा कि जो आपका ये पासा है, इसमें किस प्रकार से नंबर इसमें दिए जा सकते हैं। तो पहला तो आपका देखिए 1 2 6 तक कुछ नंबर दे सकता है, करेक्ट, क्योंकि 6 ही सतह होती हैं। इसके बाद कुछ आपके अल्फाबेट दे सकता है, 1 2, जैसे मान लिया 1 2 E तक, करेक्ट। और कुछ सैम्बल भी तो दे सकता है, जैसे कि मान लो एट द रेट, करेक्ट, कॉपीराइट, करेक्ट, और परसेंटेज, और हैज, हाँ हैज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी इसी टाइप की दे सकता है। तो ये तो अपनी बात होगी कि हाँ इस प्रकार से इसमें कर सकता है, और इसको हम बना दे रहे हैं आपको फिगर के माध्यम से, आपको बता दे रहे हैं। चलो हाँ कुछ फिगर्स के माध्यम से बता दे कि इस प्रकार से आपका एग्जामिनर आपको दे सकता है। चलो तो मैंने क्या कि कुछ इस प्रकार से आपको डाइस दे सकता है कि आपको नंबर दे सकता है 1 2 6 तक, 1 2 3, रैंडमली कुछ मान लिया। इसके बाद सेकंड केस में आपको ऐसा भी डाइस देखने को मिल जाएगा कि कुछ अल्फाबेट नेम भी लिखे मिल सकते हैं ना, कुछ अल्फाबेट नेम भी आपको लिखे मिल सकते हैं। और इसके बाद मेरे भाई आपको देखो, ये जो मैंने लिखाया है ना, ये रैंडमली कुछ बीच में, देखो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आप फिलहाल आप यहाँ पे एफ कर लो, कंफ्यूज ना होना, अभी आप फिलहाल के लिए आप यहाँ पे एफ कर लीजिए। चलिए बाकी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि मान लो कुछ नंबर दे सकता है 1 2 3 तक, फिर इसके बाद कुछ अल्फाबेट भी दे सकता है, इसके बाद कुछ आपके रैंडमली कुछ सैम्बल भी दे सकता है, जैसे कि एट द रेट, कॉपी राइट, हाँ कॉपी राइट और परसेंटेज, कुछ इस प्रकार के आपके सैम्बल भी दे सकता है। इसके बाद ये तो अपनी बात होगी कि हाँ एग्जामिनर इस प्रकार से हमको सीन करा सकता है डाइस के बारे में।
इस प्रकार से सीन करा सकता है हमको डाइस के बारे में। अच्छा, ये जो आपका डाइस चैप्टर है ना, हम इसको पांच टाइप में, पांच केसेस इसमें पढ़ाएंगे और पांच केसेस में इनको, इसको पूरा चैप्टर हम बिल्कुल अपने कमांड पे लाएंगे। हाँ, अपने इस कमांड पे लाएंगे हाथ पे। चलो, तो टाइप केस किसने पढ़ेंगे इसमें? इसमें हम टाइप पढ़ेंगे पांच। हाँ, ये पांच प्रकार या पांच केस भी कह सकते हो आप, करेक्ट। चलो, टाइप कितने पढ़ेंगे हम इसमें? फाइव। चलो, क्योंकि चैप्टर पता भी तो होना चाहिए ना, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस प्रकार से हमको ब्रेक करना है, कहाँ पे हमको स्पीड में पढ़ना है, तो फाइव प्रकार से हम इसको आपको पढ़ाएंगे, करेक्ट। चलिए, तो वही देखते हैं कि कौन कौन से केस अपने हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो अभी आपकी बेसिक बात हो गई ना कि हाँ, इस प्रकार से हमारा एग्जामिनर आप क्वेश्चन दे सकता है, कुछ नंबर दे सकता है, अल्फाबेट दे सकता है, कुछ आपके सैंपल दे सकता है। इसके बाद हमने क्या कहा, इसको हम पांच प्रकार में ब्रेक करके आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो कौन कौन से पार्ट है। चलिए, तो पहला आपका केस हो जाएगा, पहला आपका केस हो जाएगा, देखो केस, केस फर्स्ट आपका हो जाएगा, लिख लेते हैं केस सेकंड। चलो, केस फर्स्ट आपका ऐसा होगा कि एग्जामिनर एग्जामिनर आपको केवल और केवल एक ही डाइस आपको बिलोंग कराएगा, एक ही डाइस आपको दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि बताइए पूरे इसके अपोजिट, और ये जो आपका डाइस चैप्टर है ना, इसकी अपोजिट सरफेस के बारे में ही चर्चा की जाएगी। पूरे के पूरे चैप्टर में अपोजिट सरफेस के बारे में ही चर्चा की जाएगी, करेक्ट। तो हाँ, देखिए मैंने क्या बताया, एक आपको डाइस दे सकता है। सेकंड केस में आपका क्या होगा, एक से ज्यादा दे सकता है, नहीं अभी एक दे सकता है, इसके बाद दो दे सकता है, करेक्ट। केस सेकंड में क्या बात मैंने कहा कि कुछ आपको दो प्रकार के आपको डाइस देगा और उसमें आपको कुछ नंबर देगा, रैंडमली मान लेते हैं कुछ, हाँ 1 2 3, करेक्ट, 1 2 3 4 5 और 6, कुछ इस प्रकार से हमने मान लिया। इसके बाद केस सेकंड, तो पढ़ लिया कि केस फर्स्ट में आपको एक डाइस ही बिलोंग कराएगा, केस सेकंड में आपको दो डाइस बिलोंग कराएगा, केस थर्ड में क्या होगा मेरे भाई, केस थर्ड में आपको मोर देन टू, दो से ज्यादा, 3 4 5 6 7, कुछ इस प्रकार से करा देगा, करेक्ट। हाँ, कुछ इस प्रकार से आपको डाइस दे देगा, तो क्या हो जाएगा, मोर देन, मोर देन टू डाइस। हाँ, मोर देन टू डाइस, दो से ज्यादा, करेक्ट। इसके बाद केस फोर्थ क्या बन सकता है अपना, हाँ मैंने क्या कहा, केस फोर में आपको ओपन डाइस, हाँ खुला पासा, आपको सब कुछ बताया जाएगा, खुला पासा क्या होता है, क्लोज पासा क्या होता है, दोनों का मिक्सर भी आपको सब कुछ मिलेगा भाई। केस फोर में आपको बता देगा कि ओपन डाइस, हाँ ओपन डाइस, खुला पासा। इसके बाद केस अपना बच गया, केस बच गया फिफ्थ, हाँ केस फिफ्थ, तो केस फिफ्थ में पता है आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, और ये आपको बहुत ही इजीली होता है, हाँ बहुत इजीली आपको सॉल्व होगा। चलो, क्या लैंग्वेज बेस्ड, हाँ बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न, करेक्ट। तो इस कैटेगराइज में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, पहला एग्जामिनर इस प्रकार से आपको दे सकता है कि आपको केवल और केवल एक डाइस से बिलोंग कराएगा, करेक्ट। उसके बाद केस सेकंड में आपको इस प्रकार से दे सकता है कि आपको दो डाइस बिलोंग कराएगा, करेक्ट। इसके बाद इसके अपोजिट सरफेस, पूरे के पूरे चैप्टर में आपको अपोजिट सरफेस के बारे में ही पता लगाना होता है। थर्ड केस में आपको क्या दे सकता है, मोर देन टू डाइस, मतलब क्या,
दो से ज्यादा आपको दे सकता है, तीन चार पांच छह प्रकार, करेक्ट, कुछ इस प्रकार से। फोर्थ केस में आपको क्या है, ओपन पासा, खुला, हाँ खुला पासा, हाँ ओपन डाइस। इसके बाद फिफ्थ केस में क्या होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न, कुछ इस प्रकार में हमने आपको कैटेगराइज करके पढ़ाएंगे। चलिए फिर से देखते हैं अब आपको कैसे दे सकता है। ये तो अपनी बात होगी ना फाइव टाइप की, जो मैंने आपको टाइप लिखाए थे ना, मैंने क्या कहा पांच प्रकार में आपको पढ़ाएंगे, पांच प्रकार या केस आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमने वही लिखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये फिफ्थ नंबर। इसके बाद देखते हैं, और अभी देखिए, अभी आपको फिर से एक बार नोट डाउन कीजिए मेरे भाई, फिर से एक बार नोट डाउन कीजिए। तो देखिए पहला केस आपने क्या पढ़ा, केस, हाँ फर्स्ट केस, फर्स्ट में आपने ये पढ़ा कि मेरे भाई, केवल, हाँ केवल वन डाइस आपको गिवन कराएगा, हाँ वन डाइस आपको बिलोंग कराएगा। इसके बाद केस सेकंड में क्या पढ़ा, तो केस सेकंड में हमने ये पढ़ा, हाँ केस सेकंड, तो केस सेकंड में हमने ये पढ़ा कि इसमें आपको टू डाइस गिवन करा है, कितने, इसमें आपको टू डाइस, हाँ दो प्रकार के आपको डाइस गिवन कराएगा। पर अब क्या, चलो एक बार लिख लें, उसके बाद क्या का जवाब आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। चलिए इसके बाद हमने थर्ड केस क्या पढ़ा, थर्ड केस मेरे भाई हमने ये पढ़ा कि जब एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ, हाँ जब एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ, और थर्ड केस में हमने उसको कुछ इस प्रकार से देखा कि उसने इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे भाई अब उसने मोर देन, टू डाइस, हाँ टू डाइस, दो से ज्यादा उसने डाइस देना हमको प्रारंभ कर दिया, और देता ही गया देता ही गया, हमने आंसर निकालते गए निकालते गए। चलिए इस प्रकार से, चलो फोर्थ केस में, हमने ये पढ़ा भाई, केस नंबर फोर्थ में एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ और उसने आपको क्या दे दिया, अब कहा कि आपने तो बंद बंद आकृति में दे रहे हैं क्वेश्चन, अब हम आपको, जैसे कि ये देखो अभी आपको उसने बंद बंद आकृति में दे रहा है क्वेश्चन, अब मैंने कहा कि नहीं इस पासे को मैं कट करूंगा, लाइक दिस को नाइफ चलाऊंगा, चाकू चलाऊंगा, इसको कर दूंगा मैं ओपन, हाँ सब कुछ बताएंगे आपको। अब उसने खोला और पासे को ओपन किया, कहता अब बताओ, मैं ओपन डाइस करके दूंगा, अब आप आंसर बताइए, तो आप ये भी बता पाएंगे। इसके बाद आपने फोर्थ नंबर केस के भी क्वेश्चन आप बनाने लगे, फिर आप एग्जामिनर का और मूड चेंज हुआ, तो केस नंबर, हाँ केस नंबर फिफ्थ में पता है आपको कैसे देने लगा, अब वह आपको फिफ्थ ने बताया कि भाई अब आओ मेरे पास, मेरा मूड तो और ही खराब हो गया, अब आपको हम लैंग्वेज भेज देंगे। हाँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न आपको अब देने लगा, तो आप ये भी बना पाएंगे। तो चलिए ये कंडीशन लिख ली। इसके बाद किसी बच्चे के मन में आएगा कि देखो अभी हमने सेकंड वाले केस पे आइए, हाँ मैंने क्या कहा, अभी आप आइए, ब्रेड, चलो अभी मैंने कहा कि भाई आप फोकस कीजिए केस नंबर सेकंड को, हाँ केस नंबर सेकंड को आप करिए फोकस, और इसमें हमने आपको क्या कहा कि जब आपका एग्जामिनर, हाँ जैसे बना लेते हैं, हाँ अभी इसमें एग्जामिनर आप क्या दो डाइस देने लगा, कितने मेरे भाई आपको दो डाइस देने लगा, करेक्ट, अब एग्जामिनर का मूड सनका, और इसमें आपको केस सेकंड में आइए, केवल इस पे फोकस कीजिए केस सेकंड में, हाँ जब पहली बार आपने डाइस देखा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, दूसरी बार डाइस देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, करेक्ट, और इसमें आपको नंबर दे दिए ए बी सी, हाँ डी ई और एफ, कुछ रैंडमली इस प्रकार से दे दिए। पर
करेक्ट। चलो इसके बाद इसका एग्जाम एग्जाम्पल आपको ऑथेंटिक वे से समझाएंगे। चलिए चलो, पर देखो अभी आपने क्या देखा इस वाले केस में, आपने ये देखा कि आपका जो एग्जामिनर है मेरे भाई, आपको दो डाइस तो दे रहा है। हाँ, दो डाइस तो आपको दे रहा है, जैसे कि मान लो पहली पहली बार आपको दे दिया उसने 1, 2 और 3, करेक्ट। उसके बाद दे दिया आपको 4, 5 और 6। तो अभी आपने क्या देखा, केस नंबर सेकंड का ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें आपने देखा कि अभी एग्जामिनर ने हमको दो डाइस तो दिए हैं सर, करेक्ट है, डाइस तो दो दिए हैं, पर देखिए दोनों डाइसों में से कोई भी नंबर हमको कॉमन नहीं मिल रहा। हाँ, कोई भी नंबर हमको कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखिए टाइप नंबर, हाँ केस नंबर सेकंड में भी आपको आपको केस नंबर सेकंड में भी आपको कुछ टाइप पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, इसमें भी आपके टाइप हो जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, करेक्ट। चलिए वो कौन कौन से टाइप हैं, जस्ट अवेट, आपको बताने ही जा रहे हैं। चलो चलो, वो टाइप कौन कौन से हैं, तो भाई बस मेरे आपको वही बताने जा रहा हूं मैं। चलो, तो वो पहला टाइप कौन सा होगा, सेकंड टाइप कौन सा होगा और थर्ड टाइप आपका कौन सा होगा, यही इस बात में आपकी चर्चा होने जा रही है। चलो, हाँ डाइस तो दो दिए, पर पहले केस में क्या हुआ, एग्जामिनर ने आपको एक भी डाइस आपका, कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं करा रहा है, कोई भी नंबर आपका दो बार रिपीट नहीं हो रहा, दोनों अलग अलग डाइस है। चले, हाँ चलिए, तो इसमें क्या बन जाएगा, नो कॉमन। हाँ, पहला केस आपका क्या बनेगा मेरे भाई, नो कॉमन। हाँ, नो कॉमन, करेक्ट, नो कॉमन। सेकेंड सिचुएशन में आपने सोचा कि क्या हर बार मेरे दो डाइस अगर एग्जामिनर दे रहा है तो कोई भी नंबर क्या मैच नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है। किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में देखो, जैसे कि मान लो अभी आपने ये तो डाइस बना लिया, करेक्ट। चलो, सारा कुछ प्रूफ के साथ आपको बताएंगे, करेक्ट, रटाना नहीं है मेरे को ना। चलिए, अभी आपने फर्स्ट सिचुएशन देखी, हाँ सेकंड सिचुएशन देखी, तो आपने मेरे भाई ये देखा कि चलिए डाइस भी लेते हैं ना। चलिए, ये आपका देखो कौन सा डाइस है, इसकी बात अभी चर्चा होगी। चलो, तो देखिए पहली बार आप जब डाइस को आपने देखा, तो आपने देखा कि एग्जामिनर दिया 1, 2, 3, करेक्ट। अब इसके बाद सेकंड बार आप जब डाइस को आप देखेंगे, तब आपको दिखा देगा 1, 3 और 4, करेक्ट। चलो, या नहीं अभी डबल वाला केस नहीं है। चलो, पहली बार आपने देखा तो 1, 2, 3 दिखाई दिया, इसके बाद अब आपने फिर कुछ जादू किया और एग्जामिनर कुछ आपको और बनाने को दे रहा है। जब आप सेकेंड बार डाइस को देखेंगे, तब आपको दिखाई दिया 1, 4 और 5, करेक्ट। अब आपने इस वाले केस में क्या देखा मेरे भाई, तो इस वाले केस में आपने ये देखा कि अब एग्जामिनर ने आपको दोनों डाइसों में से कोई भी एक नंबर आपको गिवन करा दे रहा है, कोई भी एक नंबर आपको गिवन का मतलब, ये कहने का मतलब कॉमन करा दे रहा है। क्या देखो, 1 1 दोनों में कॉमन है। हाँ, दोनों में 1 1 कॉमन है ना, तो सेकंड सिचुएशन आपको ऐसे ही बना दे सकता है कि दो डाइस तो आपको देगा, पर कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर, ये आपके अकॉर्डिंग किसके एग्जामिनर के बनाए हुए ऑप्शन के आधार पर आपका सब क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो देखो सेकंड केस में आपका क्या बन सकता है, 1 कॉमन। हाँ, क्या 1 कॉमन, 1 कॉमन, करेक्ट। चलिए, इसके बाद आपने सोचा कि क्या सर हर बार केवल एक ही एक सतह कॉमन मिलेगी, अभी नो कॉमन पढ़ लिया, 1 कॉमन पढ़ लिया। अब आप देखिए, अब आपका एग्जामिनर का मूड है भाई, वो भी कुछ आपके साथ खेला खेल खेलेगा और बहुत ही बिंदास तरीके से खेल सकता है, तो आपको हर तरीके से क्या होना है मेरे भाई, प्रिपेयर। हाँ चलिए, पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको नंबर दिया है एग्जामिनर ने 1, 2 एंड 3, करेक्ट। इसके बाद आपने जब सेकंड टाइप से आपने फिर से देखा इसको, करेक्ट, सेकंड टाइप से जब आपने फिर से इसको देखा, तब आपको क्या दिखने लगा, करेक्ट, कुछ इस प्रकार से। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे भाई, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब तो एग्जामिनर हमको ऐसा कुछ,
आंखों पे चश्मा लगाने को बोल रहा है कि भाई देखिए दो डाइस तो आपको मैंने दे दिए, उसके बाद देखिए वन और टू इसमें भी कॉमन है, वन और टू इसमें भी कॉमन है, तो अब आपको क्या हो गया कि इसमें अब आपको डाइस में दो दो नंबर, कोई भी दो दो नंबर आपको कॉमन करा देगा। तो केस सेकंड में ही क्या बन जाएगा आपका, टू कॉमन, हाँ टू कॉमन, करेक्ट। केस सेकंड में भी हमको कितने, तीन प्रकार पढ़ने हैं, वन नो कॉमन जब कोई भी सतह आपको गिवन नहीं होगी, सेकंड आपका वन कॉमन जब एक एक नंबर आपको गिवन होगा या सतह आपको गिवन होगी, इसके बाद टू कॉमन में क्या दो सतह या दो कोई नंबर आपको गिवन होंगे। पर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो डाइस तो आपको एग्जामिनर ने दिए, हाँ दो डाइस तो एग्जामिनर ने दिए, कुछ इस प्रकार से। देखो अगर डाइस बनाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो आप वाई बना के भी काम चला सकते हैं ऐसे, है ना, वाई बना के भी आप काम चला सकते हैं। चलो तो पहली बार आपने ये देखा, तो दूसरी बार आपने कुछ इस प्रकार से देखा। पर किसी के मन में ये डाउट होगा कि सर पहली बार एग्जामिनर ने दिया वन टू एंड थ्री, और सेकेंड सिचुएशन में ऐसे भी दे सकता है कि ना कि इसमें भी दे दे वन टू और थ्री, करेक्ट। तो भाई मेरे ये कोई केस नहीं बना, ये कोई अलग से कोई केस नहीं बना। अब आपने क्या, देखो भाई ढंग से देखो, हाँ तो देखो, देखो दो आपके अलग अलग डाइस हैं, पर अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं, देखो वन टू इसमें भी है, वन टू इसमें भी है, डायरेक्शन में अभी आप मत जाइए। अब आपको ये कोई केस अलग से नहीं बना, ये भाई आपने एक ही डाइस बना दिया, हाँ एक ही डाइस, देखो वन टू थ्री इसमें भी है, वन टू थ्री इसमें भी है, तो आपने क्या एक ही डाइस को दो बार बना दिया, करेक्ट। तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि आपको कोई दो डाइस दे और दोनों में आपका सेम नंबर हो या सेम लेटर हो या सेम आपका सैंबल हो, ऐसा संभव ही नहीं, वो आपका क्या एक ही डाइस होगा। बात समझ में आई ना, करेक्ट। चलिए तो इस प्रकार से आपका नहीं होगा, चलो हाँ चलो अब चलते हैं, रहने देते हैं, या तो फिर इसको यहाँ पे बस समझाना ही था, बहुत ही बेहतरीन, समझ लिया ना, इस कैटेगराइज में हम आपको पढ़ाएंगे, करेक्ट ना मेरे भाई। फिर से रिपीट करा दें क्या, केस नंबर फर्स्ट जिसमें आपको केवल और केवल एक डाइस की आकृति आपको शो कराएगा, केस सेकंड, और केस सेकंड में भी आपको तीन टाइप पढ़ने हैं, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं केस नंबर थर्ड में, तो केस नंबर थर्ड में मोर देन टू डाइस, जब आपको दो से ज्यादा देने लगेगा। केस फोर्थ की बात की जाए तो केस फोर्थ में आपका एग्जामिनर और भी कतई जहर बन गया, हाँ केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो जाने लगा, तब आपको उसने ओपन डाइस करके दे दिया, खुला पासा। फिफ्थ कंडीशन में उसने क्या फिजिक्स के कंसेप्ट में जाने लगा, समझो ऐसे समझो ना, तो इसको केस फिफ्थ में क्या लैंग्वेज बेस्ड आधारित आपको क्वेश्चन देने लगे, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, एक एक केस आपको बिल्कुल भरपूर मात्रा में, हाँ हर एक कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर कराया जाएगा। तो करते हैं ना भाई भाई, तो उठाते हैं ना किसको, केस नंबर फर्स्ट को, व्हेन ओनली वन फिगर इज कॉमन या गिवन, हाँ व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब पासे की एक आकृति आपको दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट से, चलिए हाँ समझ में आना कि देखो इस लहजे में, हाँ इस ऑथेंट से हमको चैप्टर करना है मेरे भाई कंप्लीट, हाँ इस प्रकार से हमको चैप्टर करना है मेरे भाई कंप्लीट। तो समझ पा रहे हैं ना, चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलो तो उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि मेरे भाई जो आप देखो ये भी तो आपने देखा होगा, हाँ ये भी तो आपने देखा होगा कि क्या क्या सर, ये जो आपको एक कंसेप्ट आपने तो बता दिया ये वाला, तो यहाँ से एक आपका सवाल बनना चाहिए कि क्या सर जो आपके डाइस होंगे, हाँ तो क्या वन टू लिखा है, तो इस प्रकार के डाइस को आपको क्या क्या बोलेंगे, किस प्रकार से इसको हाँ कॉलेक्ट करेंगे, बोलेंगे इस प्रकार वाले डाइस को क्या कहेंगे, और इस प्रकार के डाइस को आपको क्या किस प्रकार से हमको बोलना पड़ेगा, हाँ तो चलिए इसी बात में आपको
बताने जा रहे हैं, करेक्ट। चलो तो आपके जो डाइस होते हैं ना, डाइस पासा मेरे भाई, तो आपके पासा ना दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला आपका स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, करेक्ट। सेकंड आपको पढ़ाएंगे, दो होते ही हैं, पढ़ाएंगे क्या भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको। सेकंड आपको पढ़ाएंगे जर्नल डाइस। हाँ, जर्नल ऑर्डनरी दोनों नाम से इसको जानते हैं, जर्नल और ऑर्डनरी डाइस, साधारण पासा। तो बात की जाए आपकी स्टैंडर्ड डाइस, हाँ, मानक पासा की बात की जाए तो चलिए मानक पासा जी आप आइए और मुझको अपना प्रूफ बताइए, तो आपको वही बताने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, हाँ, चलिए अब पढ़ते हैं भाई मानक पासा क्या होता है। चलो, हाँ, मानक पासा। चलिए मानक पासा का फंडा समझते हैं भाई। जो आपका ये मानक पासा होता है ना, इस ये किस प्रकार का होता है, तो मैंने क्या कहा, अब जब आपने लूडो खेला होगा, हाँ, घर पे लाए होंगे सभी खरीद के, मैं तो भाई लाया था खरीद के, एक नहीं एक साथ में, मैं बताऊं तो तीन तीन लाया था, कि एक फट जाएगा तो दूसरा तो होगा, और दूसरे का भी काम नहीं चलेगा तो तीसरा तो होगा ब्रेक में, करेक्ट। मैं एक बार, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तीन लाया था और तीनों आपके मेरे ना बहुत दिनों तक काम चला था। चलिए तो आप कितने लाए थे, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे, करेक्ट। चलिए क्यों, क्योंकि उस समय बाय वन गेट वन का ऑफर था नहीं, तो मैंने क्या कहा, रुपए देने लेने उसको देना ही है और हमको लेना ही है लंबे समय तक, तो क्यों ना किया, ऐसा किया जाए कि तीन तीन एक ही साथ ले लो। चलो, हाँ, स्टैंडर्ड आइस, मानक पासा। तो मानक पासा में आप जब देखेंगे, करेक्ट, जब आप लूडो उठाना और उसमें आप अच्छे से देखना, तो देखो या तो आपको, हाँ, जो आपके लूडो होता है ना उसमें आपको डॉटेड फॉर्म में आपको कुछ इस प्रकार से देगा, करेक्ट। तो जो आपका मानक पासा होता है ना, इनके हर एक अपोजिट सरफेस का जो सम होता है, हाँ, तो एक के पीछे हमेशा आपको कितना मिलेगा, सिक्स, आप देख लेना, एक के पीछे हमेशा आपको क्या मिलेगा, तो एक के पीछे मेरे भाई हमेशा आपको मिलेगा सिक्स, करेक्ट। और टू के पीछे हमेशा आपको क्या मिलेगा, टू के पीछे हमेशा आपको मिलेगा फाइव, करेक्ट। और थ्री के पीछे हमेशा आपको दिखेगा फोर, करेक्ट। एक के पीछे छह, छह के पीछे एक, दो के पीछे पांच, पांच के पीछे दो, तीन के पीछे चार, चार के पीछे दो, ये अपोजिट सरफेस। या आपको, अब आपने क्या, जो आपने डाइस देखा होगा, हो सकता है उसमें क्या डॉटेड फॉर्म में हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक डॉट है तो इसके एक डॉट के विपरीत में आपको कितने डॉट दिखेंगे, सिक्स डॉट, हाँ, करेक्ट। इसके बाद दो डॉट के विपरीत में आपको दिखेंगे, दो डॉट के विपरीत में आपको क्या दिखेगा, तो मेरे भाई एक डॉट के विपरीत में आपको कितने डॉट दिखेंगे, सिक्स डॉट, हाँ, सिक्स डॉट। और टू डॉट के विपरीत में आपको कितने डॉट दिखेंगे, फाइव डॉट, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, करेक्ट। और थ्री डॉट के विपरीत में आपको कितने डॉट दिखेंगे, थ्री डॉट के विपरीत में आपको दिखेंगे मेरे भाई आपको कितने, फोर डॉट, वन टू थ्री और फोर, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो देखिए कहने का क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस जो मानक पासा आपका होता है, इनके हर एक अपोजिट सरफेस का जो सम योग होता है हमेशा आपको कितना मिलेगा, सेवन, सात मिलेगा। तो कंडीशन लिख लेते हैं ना, डेफिनेशन लिखिए आप, तो डेफिनेशन आप लिखिए यहाँ पे, इफ इफ अपोजिट टू सरफेसेस इस इफ एवरी, हाँ, इफ, तो आप ये कंडीशन लिखिए, इफ इफ एवरी, हाँ, देखो स्टैंडर्ड समझ तो लिया भाई, समझ में आया ना, बहुत ही बेहतरीन। मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा, इनके हर एक अपोजिट सरफेस का जो योग होगा हमेशा आपका कितना होगा, सेवन, सात। और आज आपका काम ये है कि आप लूडो हो या ना हो, तो कहीं से भी खरीद के लाना, या ऑनलाइन भाई देख लेना फ्री में, तो देखना आप, ऐप भी आने लगे 3D इमेज इमेज वाले, उसको डाउनलोड करना और घुमा घुमा कैसे देखना,
हाँ स्क्रॉल करके भी उसको उठा पटक के देखना, हाँ पटकना, कि इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में कौन कौन सी संख्या आपकी आ सकती है। हाँ तो क्या इफ एवरी टू, इफ एवरी टू अपोजिट अपोजिट सरफेसेस, हाँ इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7, सम इज इक्वल टू 7, सम इज इक्वल टू 7, हाँ देन 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 द डाइस इज, देन द डाइस इज, देन द डाइस इज कॉल्ड कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, हाँ स्टैंडर्ड डाइस। मैंने क्या कहा भाई, मेरे भाई मैंने आपसे ये कहा कि इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। हाँ हर विपरीत सतह का योग आपको कितना दिखेगा 7, हिंदी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, चलिए वो भी आपको लिखा दे रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज आपको लिखा दे रहे हैं। यदि कलर चेंज कर लिए, चलो हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं भाई मेरे, क्या हो सकती है हिंदी लैंग्वेज, यदि यदि विपरीत, हाँ यदि विपरीत दो सतहों का योग सात, अब अगर आपको दिखे या मिले, हाँ सात आपको दिखे या मिले, देखो कुछ नहीं भटकना नहीं है आपको, हाँ भटकना नहीं, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग सात हो तब, हाँ सात हो तब, यदि दो विपरीत सतहों का योग सात हो तब, तब हम क्या बोलेंगे कि यह एक, हाँ यह एक एक मानक पासा पासा है होगा, करेक्ट। चलिए यदि विपरीत दो सतहों का योग सात हो, यदि विपरीत दो सतहों का योग हाँ सात हो, तब यह एक मानक पासा होगा, तब यह एक मानक पासा होगा। और देखिए सेकंड का आपका कौन सा पासा बन सकता है मेरे भाई, सेकंड आपका बन सकता है, चलिए सेकंड आपका कौन सा पासा बन सकता है, हाँ तो मेरे भाई सेकंड आपका बन सकता है जर्नल डाइस। इस जर्नल डाइस क्या होता है कैसे होता है आपको बताने जा रहे हैं, जर्नल डाइस साधारण पासा, क्या साधारण पासा, चलिए क्या होता है ये आपका साधारण पासा देखते हैं, जर्नल डाइस। तो देखिए जर्नल डाइस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जर्नल डाइस की डेफिनेशन भाई आपको ऐसे हो जाएगी, आपको बताया ना दो प्रकार के आपको डाइस, देखो आपको पहले क्या बताया स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, इफ एवरी टू अपोजिट सर्फेसेस इज हाँ इक्वल टू 7 देन द कॉल इट इज, हाँ देन द कॉल इट स्टैंडर्ड डाइस, यदि दो प्रत्येक विपरीत सतहों का योग
यदि दो विपरीत प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग आप अगर आपको कितना मिल जाए 7 7, तो आपको कौन सा डाइस होगा? तो आपका होगा भाई मेरे स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। चलिए इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। हाँ, मानक पासा का एग्जाम्पल भी आपको दे सकते हैं। चलो बनाइए दो डाइस। चलो चलो जो आपके मानक पासा होंगे मेरे भाई, हाँ जो आपके मानक पासा होंगे, इनके हमेशा विपरीत दो सतहों का योग कितना होगा? हमेशा आपको कितना दिखेगा भाई मेरे? आपको दिखेगा 7। हाँ तो देखिए मेरे भाई, 5 और 2 योग कितना हो जाएगा आपका? 7। तो आपका ये कौन सा वाला डाइस हो गया? ये 100%, हाँ 100% कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। समझ पाया ना? बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद देखिए 3 और 4, 3 और 4 योग कितना होगा? 7। तो ये 100%, हाँ 100% कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। हाँ स्टैंडर्ड डाइस, समझ पाया ना? बहुत ही बेहतरीन। सेकंड पढ़ रहे हैं जर्नल डाइस, हाँ साधारण पासा। साधारण से नाम ही आपको, इसके साधारण के मतलब से ही आपको समझ जाना चाहिए कि क्या कुछ साधारण दे सकता है रैंडमली, कोई भी सिंबल दे सकता है, हाँ अल्फाबेट कुछ दे सकता है, किसी का नाम दे सकता है, हाँ एनीवे कुछ भी आपको, एक्स्ट्रा वेक्ट्रा सब आपको बताएंगे। चलो क्या क्या दे सकता है, चलो तो इसको इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मेरे भाई? इसकी भी डेफिनेशन ये हो जाएगी जनरलाइज की, इफ द डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस, हाँ समझ में आया ना? देखो जस्ट इसी का विपरीत होगा भाई, हाँ जस्ट इसी का विपरीत योग, अगर किसी भी दो सतहों का अगर योग आपको 7 दिख रहा है, हाँ किसी भी दो सतहों का अगर योग आपको 7 दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा वो? तो भाई वो हो जाएगा आपका हाँ स्टैंडर्ड डाइस। चलो सेकंड पढ़ रहे हैं क्या? सेकंड पढ़ रहे हैं जनरल डाइस, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, हाँ देन द कॉल इट, हाँ देन जर्नल डाइस, हाँ जर्नल डाइस। जर्नल डाइस, चलो क्या मैंने कहा? इफ द इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, हाँ इफ द इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, हाँ देन द कॉल इट, देन द कॉल इज जर्नल डाइस। इफ द डाइस, हाँ इफ द डाइस, इफ द डाइस इज, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस देन द कॉल्ड जर्नल डाइस। समझ पाए ना? बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद हाँ चलो बात कर लेना। चलो हाँ मैंने क्या कहा? इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस देन द कॉल्ड जर्नल डाइस, हिंदी मीनिंग भी लिख दें, मतलब क्या हिंदी मीनिंग हो जाएगा? यदि पासा मानक नहीं है तो, यदि 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 पासा मानक नहीं है तो, समझ पाए ना? यदि पासा मानक नहीं है, मानक अगर किस प्रकार के, मानक का मतलब यह हो गया कि दो अपोजिट सरफेस का योग अगर आपको साथ ना मिले, दो अपोजिट सरफेस का योग अगर साथ आपको ना मिले, तो आप पहचान सकते हैं ना कि ये एक मानक पासा है। यदि पासा मानक नहीं है तो, हाँ तब यह,
नहीं है तो यह एक हाँ साधारण पासा होगा। हाँ साधारण पासा होगा। चलो बात होती है फिनिश, इसका भी एग्जाम्पल दे दें। चलो अच्छा देखिए, एग्जाम्पल देना बहुत ही जरूरी होता है। चलो चलो, पहली बार आपने आपके एग्जामिनर ने आपको दे दिया एक दो और ये बी, थ्री नहीं मेरे भाई, क्या है बी। इसके बाद परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट, अभी आपको यहाँ पे सैम्बल ही ले लो, वो वाला कंसेप्ट आपको आगे समझाएंगे फिर। चलो अभी आप केवल जनरल आईसी यहाँ पे बनाइए। चलो ए बी और यहाँ पे परसेंटेज। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपको कुछ लेटर लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं ना। चलिए, और यहाँ पे क्या सैम्बल और लेटर दिख रहे हैं, सैम्बल पर कुछ नंबर डिजिट लिखे नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपको क्या लगा, ये आपका क्या है 100%। हाँ 100% कौन सा डाइस है, हाँ जर्नल डाइस, या जर्नल को इसी को ऑर्डिनरी डाइस भी बोलते हैं भाई, हिंदी मीनिंग तो साधारण पासा होती है। हाँ साधारण पासा। अच्छा ये वाला कौन सा डाइस है, अभी आपको डाइस कौन सा डाइस किस प्रकार का है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा। तो देखिए ये कौन सा डाइस है, ये तो भाई 100%, हाँ 100% आपको लग ही रहा है, लग क्या दिख ही रहा है, और आप समझ भी पा रहे हैं कौन सा डाइस है, जर्नल डाइस, करेक्ट। अच्छा अब आपको कुछ डाइस हम की आकृति आपको बना के दे रहे हैं, अब आपको ये बताना है मेरे भाई कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जर्नल, हाँ स्टैंडर्ड, कौन सा आपका ऑर्डिनरी डाइस है, ये आपको दोनों में कंपाइल करके मुझको बताना है। तो चलिए 4 से 5 आपको कुछ डाइस की आकृति आपको दे रहे हैं हम, चलो बना लेते हैं जल्दी जल्दी से डाइस। चलो अब आपको ये बताना है मुझे, हाँ ये आपके अलग अलग डाइस हैं, ये आपके अलग अलग डाइस हैं, अब आपको बताना है मुझे कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा आपका जर्नल डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। चलिए इंडियन रुपी, चलो अब आपको ये मेरे भाई चूज करना है कि आपको ये बताना है कि कौन सा आपका स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा आपका जर्नल डाइस है, समझ पा रहे हैं ना। 1 2 3 चलो बताइए, अब आपको मेरे भाई आपको ये बताना है कि इसमें आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि कौन सा जर्नल डाइस है और कौन सा आपका स्टैंडर्ड डाइस। चलिए हाँ बताइए, तो बात आती है कि अब आप हम
आपको पहचानना बता रहे हैं कि कौन सा आपका जनरलाइज हो सकता है, कौन सा आपका स्टैंडर्डाइज। तो देखिए, अच्छा इसको देखिए, इससे पहले आप ये वाला डाइस देखिए, ये आपका जनरलाइज है करेक्ट। तो देखिए, जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं क्या? अगर आपका स्टैंडर्डाइज हुआ, अगर आपका स्टैंडर्डाइज हुआ तो एक के विपरीत कौन सी सतह होनी चाहिए? सिक्स करेक्ट। दो के विपरीत कौन सी सतह होनी चाहिए? फाइव करेक्ट। थ्री के विपरीत कौन सी सतह होनी चाहिए? थ्री के अपोजिट आप बोलेंगे फोर। चलिए, तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि क्या, जैसे कि मान लो, जैसे कि ये क्या है, एक, और एक के विपरीत में कौन सी सतह होनी चाहिए? छः। हाँ, जो कि आपको दिख रही है। तो ये कभी ऐसा मत आप सोचना कि केवल और केवल एक के विपरीत होने से अगर छः है तो हम इसको बोल देंगे कि हाँ सर ये है क्या स्टैंडर्डाइज। ऐसा नहीं, अगर एक के विपरीत में छः छः है, मैंने क्या कहा, अगर एक के विपरीत में अगर आपका छः है तो पांच के विपरीत में क्या होना चाहिए? पांच के विपरीत में होना चाहिए आपका दो, पर यहाँ पे क्या है? तीन। तो ये हो गया रॉन्ग। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी केवल बन रही है इसकी कि ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है, पर ये जनरलाइज है। स्टैंडर्डाइज की केवल इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। तो स्टैंडर्डाइज होने के लिए एक के विपरीत में छह होना चाहिए बिल्कुल 100%, दो के विपरीत में पांच होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसके बाद तीन के विपरीत कौन सी सतह होनी चाहिए? तीन के अपोजिट आपकी फोर, फिक्स। तभी आपका वो 100% बन के स्टैंडर्डाइज तैयार होगा। तो देखिए, ये कौन सा डाइस है? तो भाई मेरे, देखिए ए बी एफ, तो ये 100% क्या है? जर्नलाइज। हाँ, ये क्या है? जर्नलाइज। इसके बाद ये वाला देखो, परसेंटेज कॉपीराइट वन करेक्ट। तो इसके हमने कहा कि ये देखो वन आपको दे दिया, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होनी चाहिए, वन के अपोजिट में कुछ भी हो सकता है, वो आपके एग्जाम्पल दिए गए जाएंगे तब आपको चूज कर पाएंगे। अभी तो आपने इस वाले डाइस में देखा कि वन के विपरीत में क्या हो सकता है, ऐसे जाके देखा तो आपने बोला सिक्स हो सकता है, पर ये पॉसिबिलिटी बन रही है करेक्ट। तो ये क्या है, ये आपका जर्नल डाइस ही होगा करेक्ट, जर्नल डाइस होगा। इसके बाद आओ ये वाला, ये भी आपका क्या है? जर्नल डाइस। हाँ, इस पे वाले पे आ जाओ, ये आपका 100% जर्नल डाइस है। अभी आपको इसको फिर से आएंगे, ये तो आपका 100% कौन सा है? जर्नल डाइस। हाँ, ये भी आपका 100% कौन सा है? जर्नल डाइस। पर ये जर्नल डाइस है, पर एक विपरीत हो सकता है, एक विपरीत हो सकता है कि सर एक विपरीत हो सकता है कि पीछे छह निकल आए, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की। क्या बन रही है? पॉसिबिलिटी। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, ये संभावना, पॉसिबिलिटी बन रही है किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की करेक्ट। क्योंकि एक विपरीत में हो सकता है कि छह हो सकता है, क्लियर नहीं है, हो सकता है कि छह हो, तो ये स्टैंडर्ड डाइस की पॉसिबिलिटी लगभग बन रही है। इसके बाद अभी देखो, ये है तो जनरल डाइस, पर हो सकता है कि सर फोर के विपरीत में हो सकता है कि क्या थ्री निकल आए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। हाँ, स्टैंडर्ड डाइस की करेक्ट, स्टैंडर्ड डाइस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, समझ पा रहे हैं ना? पर ये देखो, ये तो 100% जनरल डाइस है, और ये वाला भी 100% क्या है आपका? जनरल डाइस। इसके बाद इस वाले पे आ जाओ, इसके बाद इस वाले डाइस पे आ जाओ, तो ये वाला डाइस आपका क्या होगा? तो देखिए, एक दो तीन, तो इसके अपोजिट कौन सी, कितनी सरफेस होंगी? आपको पता ही चाहिए सरफेस आपकी छह होती हैं, तो एक से लेके छह तक ही तो नंबर इसमें दर्शाए गए होंगे। पर देखिए, पर मेरे भाई आप यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक के विपरीत में आपका छह ही निकले, दो के विपरीत में आपका पांच ही निकले, तीन के विपरीत में आपका चार निकले। जैसे देखिए, देखो अभी आपको क्या दिया गया है, वन, हाँ, टू और थ्री, ये आपको दिया गया है वन टू और थ्री। और आपको ये भी नोट बना के लिख देना है, ये भी नोट बना के लिख लेना है कि आपको एट अ टाइम, जब आप एट अ टाइम डाइस को किसी भी, जब आप देखेंगे सामने से, हाँ, किस एंगल से देख रहे हैं, चलिए हम आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सर ये है हमारे लेफ्ट हैंड में और हम देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सेंटर पे इसके, चलिए। हाँ, तो आप एट अ टाइम जब आप डाइस को देखेंगे तब आपको केवल और केवल
तीन सरफेस, तीन सतह ही आपको सीन होंगी। हाँ, किसी भी एंगल से आप देख लो। सर अब हमने डाइस को कर दिया है अपने हाँ अपर साइड और देख रहे हैं हम यू ऐसे। हाँ, तो किसी भी एंगल से आप देखोगे तो एट अ टाइम जब आप डाइस को देखेंगे तो आपको तीन ही सरफेस दिखेंगी और तीन आपकी हिडन होंगी, पीछे होंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो देखिए, अभी आपने तो देख लिया कि एक दो तीन तो दिया है, पर इसके अब इस वाले डाइस के पीछे तो आपने देख लिया कि हाँ अभी आपका दो के सटी एडजेसेंट सरफेस आपकी फाइव है, एक विपरीत क्या हो सकता है सिक्स, करेक्ट। पर इसमें तो भाई आप ऐसे तो नहीं देख सकते ना, जाके नहीं देख सकते ना इस वाले डाइस में। क्या आप देख सकते हैं इस डाइस में क्या होगा पीछे? तो ये देखो, ये है तो जनरल डाइस, ये है तो जनरल डाइस, पर पॉसिबिलिटी बन सकती है किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की, करेक्ट। चलिए इस पे बताइए। तो देखो ये वाला देखिए, तो क्या है ये वाला क्या है? तो देखो, किसी भी सतह का योग आपका साथ नहीं बन रहा है, किसी भी सतह का योग आपका साथ नहीं बन रहा है। तो देखो ये है तो जनरल डाइस, हाँ, क्योंकि अभी आप जाके पता नहीं लगा सकते भाई, पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर पॉसिबिलिटी बन सकती है किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की। हो सकता है सर छह के पीठ में एक हो जाए, हो सकता है, हाँ कंफर्म नहीं है, चार के पीठ हो सकता है तीन हो जाए, हाँ पांच के पीठ हो सकता है दो आ जाए, करेक्ट। इसके बाद इस वाले डाइस पे आइए, तो देखिए किसी भी दो सरफेस का योग आपका सेवन नहीं बन रहा है, तो ये कौन सा डाइस है? तो ये देखो है तो जनरल डाइस, बस पर पॉसिबिलिटी बन सकती है किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की। अच्छा ये वाला बताइए कौन सा डाइस है? ये भी आपका क्या है? 100% जनरल डाइस, पर जनरल डाइस तो है पर पॉसिबिलिटी बन सकती है किसकी? कि सर ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, करेक्ट। चलिए अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दो चार और आपको दे रहे हैं, वो आपका सारा कुछ कंक्लूजन क्लियर करा देगा। बहुत ही अच्छे तरीके समझ पा रहे हैं ना कि स्टैंडर्ड डाइस और साधारण डाइस, स्टैंडर्ड डाइस हाँ और जनरल डाइस में आप कंपेयर कर पा रहे हैं, पहचानना। अगर पहचानना आ गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, पहचानना आ गया तो भाई मेरे बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलो अब आपको तीन डाइस देंगे, हाँ तीन डाइस वन, और सारा कुछ कंक्लूजन आपको यहां से देखने को मेरे भाई मिल जाएगा आपको एट अ टाइम। अब जब डाइस को देखेंगे तो केवल और केवल आपको तीन सताई भाई आपको दिखेंगी, किसी भी एंगल से आप देखिए। सर हम इसको देख रहे हैं और मुझको बस सीन हो रही है तीन सरफेस, एजेंटेड। चलिए पहली बार जब आपने डाइस को देखा हाँ, तब आपका एग्जाम देखो ये अलग अलग सरफेस हैं, करेक्ट। चलो तो आपको देखो इसमें दे दिया परसेंटेज, बेर्थ कम कीजिए, चलो परसेंटेज कॉपीराइट और हैज, करेक्ट। इसके बाद इंडियन रुपी, सैंबल के नाम भी आपको याद होने चाहिए भाई, इसको परसेंटेज कॉपीराइट हैज इंडियन रुपी, करेक्ट इंडियन रुपी, और ए दो, करेक्ट। इसके बाद एक पांच और दो। चलो अब बताइए भाई सारा कुछ कंक्लूजन एक ही स्लाइड में इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो बताइए आपको बताना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा आपका जनरल डाइस है, या पॉसिबिलिटी बन रही है तो क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है? जस्ट वेट, एक मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, बताइए बताइए भाई। चलिए बहुत ही जल्दी अपना एक मिनट हो जाता है, हो गया। चलिए बताते हैं, हाँ तो देखिए ये आपका क्या है, परसेंटेज कॉपीराइट हैज, तो 100% ये कौन सा डाइस है, 100% कौन सा डाइस है, हाँ जर्नल डाइस की कैटेगरी में आ रहा है, करेक्ट। इसके बाद देखिए ये वाला कौन सा डाइस है, देखो इंडियन रुपी ए अल्फाबेट आ गया और नंबर भी आपको डिजिट भी आ गया टू, तो देखो ये जर्नल डाइस तो है पर पॉसिबिलिटी बन सकती है किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की, कि सर हो सकता है, हाँ जैसे कि यहां पे देखो
यहाँ पे देखो था ना, स्टैंडर्डाइज की पॉसिबिलिटी ऐसे बन सकती है ना, ऐसे इसी प्रकार कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सर दो के विपरीत में हो सकता है, दो के विपरीत में हो सकता है कि, दो के विपरीत में सर हो सकता है कि पांच निकल आए, पर ये क्या पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, क्या पॉसिबिलिटी, करेक्ट, चलो कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावना है, संभावना हो सकती, संभावना बन सकती है। चलिए इसके बाद इस वाले में बताइए, तो देखिए क्या किसी दो सरफेस का योग साथ हो रहा है, वन टू को जोड़ रहे हैं तो साथ नहीं हो रहा है, करेक्ट, फाइव एक को जोड़ रहे हैं साथ नहीं हो रहा, पर देखिए दो और फाइव को अगर आप ऐड करेंगे, टू प्लस फाइव को आप जब ऐड करेंगे तो योग कितना आ रहा है, सेवन, और सेवन का मतलब क्या होता था, अगर दो विपरीत सतहों का योग साथ आ जाए तो हम उसको क्या कहते थे कि ये है स्टैंडर्ड डाइस, हाँ स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए तो अब आपका ये कौन सा डाइस हो गया, ये आपका 100%, 100% कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। क्या ऐसे कह सकते हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं, बताइए बताओ। अभी आपने दो सरफेस को तो देखा कि दो सरफेस पांच के विपरीत में आपका दो है, करेक्ट, तो आपने क्या कहा कि स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, पर क्या एक के विपरीत में आपका, एक के विपरीत में क्या आपका छह होगा, हाँ तीन के विपरीत में क्या आपका चार होगा, तो यहां पे बात आके आपकी अटकती है, करेक्ट। तो देखिए अभी आप पे लगाइए इस पे आप क्या दो स्टार, और इसका सल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में अगर दे पाए तो दें, वरना नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से आपको बताएंगे मेरे भाई, हाँ फिर से आपको बताएंगे। तो चलिए आज मैंने पढ़ा क्या, हाँ आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए आज हमने आपकी स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग की थी मेरे भाई आपके डाइस से, पासा से, जो कि आपको नंबर भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है और सैम्बल भी दे सकता है, करेक्ट, कुछ इस प्रकार पांच प्रकार से इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, कुछ पांच इस प्रकार से, करेक्ट, इसको हमने कैटेगराइज में बांटा, आपको बताया कि टू कॉमन, और जब दूसरा केस आप पढ़ेंगे तब इसमें भी आपको, जैसे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड में भी आपको तीन टाइप पढ़ने पड़ेंगे, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, करेक्ट। इसके बाद केस नंबर थर्ड में मोर देन, दो से ज्यादा, केस नंबर फोर्थ में ओपन डाइस, केस नंबर फिफ्थ में लैंग्वेज बेस्ड, करेक्ट। इसके बाद आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, हाँ चलिए कि स्टैंडर्ड डाइस आपके वो डाइस होता है यदि दो अपोजिट सरफेस का जो आपका सम होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सेवन। इसके बाद आपको बताया जनरल डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा, यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा का, पासा में किसी भी सरफेस का योग अगर साथ नहीं आ रहा है, करेक्ट, तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा, साधारण पासा। इसके बाद हमने आपको कंक्लूजन समझने के लिए भी आपको डाइस दिए, जब आप पहचान पाए कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा आपका जनरल डाइस है, रीजन समझ पाए पीछे का, और इसके बाद आपको ये दिए, फिर इसके बाद हमने आपको ये स्टार बना के दे दिया, स्टार बना के दे दिया, इसमें आपको बताना है मेरे भाई कि दो के विपरीत में क्या, दो के एडजेसेंट सरफेस क्या है, दो के एडजेसेंट सरफेस है आपकी सेवन, तो ये क्या बन गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, करेक्ट। पर आपको इसमें एक और चीज बतानी है कि क्या एक के विपरीत में आपका छह होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या कुछ जो जो अपने ऑथेंट से आप सोच पाए, हाँ क्वेश्चन माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से, चेतन अवचेतन मन से, हाँ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, समझ पाए ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये आपको पूरा पीएनजी फॉर्म आप पीडीएफ के रूप में आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इतने स्पीड में आपका अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बाकी हर एक क्लास में आपका लेवल अप बढ़ता ही चला जाएगा, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।